हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो पे आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप लोगों को WhatsApp के चार ऐसे फीचर और सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों को नहीं मालूम होगा। ये चार फीचर और सेटिंग आप लोग डेली WhatsApp यूज करते हो, डेली आप लोग यूज में ला सकते हो, किस प्रकार से आप लोग ला सकते हो पूरा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे आप लोग करना है ये चार फीचर और सेटिंग इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपल सा वीडियो लास्ट देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों पहला जैसे फीचर और सेटिंग है, जैसे कि यहाँ WhatsApp ओपन करते हो, यहाँ पर आप लोग देखते हो कोई भी आप लोगों को WhatsApp पे मैसेज करता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये मैसेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये मैसेज यहाँ पर किया गया है तो अभी यहाँ पर नीला टिक दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ नीला टिक दिख रहा है, अभी यहाँ पर ब्लैक टिक दिखता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है कि ये देख लिया गया नहीं देखा गया। नीला टिक होता है, डबल टिक नीले आ जाते हैं तो आप लोग पता चलता है कि ये देख लिया गया मैसेज। अभी नीला टिक आ रहा है तो जैसे कि ये देख लिया गया आप लोग को पता चल गया। किसी किसी में देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दूसरा मैसेज दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो ये देखिए डबल टिक आ रहा है, यहाँ पर देखोगे आप लोग डबल टिक आ रहा है लेकिन ये ब्लैक आ रहा है, नीला नहीं आ रहा, तो ये आप लोगों को पता नहीं है कि मैसेज देख लिया गया नहीं देखा गया। तो सिंपल सा आप लोग करना क्या है, अगर ये मैसेज आप लोगों को देखना है सामने वाला ने देखा या नहीं देखा है, तो इस पर टिक करोगे ऐसे थोड़ा उंगली से, और ऊपर साइड में तीन लाइन दिखेगी, उस तीन लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन्फो करके आपको दिखेगा, एक नीचे कॉपी दिखेगा इन्फो के दिखेगा, तो ऊपर इन्फो जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखोगे रेड दिख के लिख के आ रहा है, डिलीवरी दिख के आ रहा है, कितने बजे डिलीवरी किया गया, टाइम वगैरह पूरा डिटेल आप लोगों को दिख जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कब देखा गया वो भी दिख जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी मैसेज आप लोग देखना चाहते हो दिख जाएगा। अभी यहाँ पर देखो ब्लैक आ रहा है, डबल टिक आ रहा है लेकिन ब्लैक आ रहा है। इसी पर अगर क्लिक करके मैं अभी देखूंगा इन्फो क्लिक करके, तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर नीला आ रहा है, तो इस तरह यहाँ पर नीला आ रहा है, डिलीवरी कितने बजे हुई थी ब्लैक दिख रहा है, और देख लिया गया है रेड आ रहा है। तो इस तरह आप लोगों को कोई भी मैसेज अगर देखना है आप लोगों को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये मैसेज भी देख रहे हैं आप लोग, ये मैसेज पे आप लोग दिखा देता हूँ, यहाँ पर डबल टिक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है लेकिन नीला नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी आप लोग देखना चाहते हो तो इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, डिलीवरी का दिख रहा है और यहाँ पर रेड का दिख रहा है, रेड का मतलब यहाँ पर डबल टिक नीला दिख रहा है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हो। अभी यहाँ पर कोई भी मैसेज अगर देखना है तो वो सभी मैसेज इसी तरह आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि ये डबल टिक का नीला मैसेज था, तो इसको भी आप लोग देखना चाहते हो कितने बजे देखा गया है, ये भी आप लोग डिटेल आप लोगों की शो हो जाती है। अभी यहाँ पर देखो रेड डिलीवरी दिख रहा है, टाइमिंग यहाँ पर देख रहे हो 10:47 दिख रहा है PM, और मैंने कितने बजे 9:32 मैसेज किया गया, पूरी डिटेल आप लोगों को दिख जाती है। इस तरह आप लोग अगर देखना है कितने बजे मैसेज सामने वाले ने आपका देखा है तो ये भी देख सकते हो। फिर दूसरी सेटिंग है, दूसरी सेटिंग जैसे कि आप लोग किसी को मैसेज करते हो वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हो, इस पर क्लिक करते हो, वैसे रिकॉर्डिंग करने लगते हो आप लोगों के, तो यहाँ पर डायरेक्ट छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट चला जाता है। अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे इसी टिक मार्क पे आप लोग क्लिक करोगे तो ऊपर साइड में थोड़ा कर दोगे तो ये मैसेज जो रहता है जाएगा नहीं। कैसे आप लोग दिखा देता हूँ मैं, सिंपल सा देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, फिर ऊपर लॉक दिख रहा है, लॉक पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे ये मैसेज गया नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चालू है, यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ मैं वो सभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू है। इसको स्टॉप करोगे, यहाँ पर स्टॉप करने के बाद अभी यहाँ पर अगर सुनना है आप लोगों को तो पहले इसको सुन सकते हो, उसके बाद अच्छा लगे तो सेंड कर सकते हो, नहीं तो डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है तो डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं आप लोग दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पर देखो अगर रिकॉर्डिंग आप लोग सुन के बाद आप लोगों को नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों ने कुछ गलत बोल दिया है, तो आप लोगों को डिलीट कर सकते हो, वरना ये सेंड का ऑप्शन दिया है तो सिंपल सा इस पे आप लोग सेंड पे क्लिक करोगे तो सेंड हो जाएगा, वरना आप लोग कुछ भी रिकॉर्ड करते हो रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपल सा यहाँ पर स्टॉप करेंगे मैसेज को, स्टॉप करने के बाद डिलीट का ऑप्शन दिया गया, डिलीट हो गया, अभी सेंड नहीं हुआ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग डिलीट हो गया। ये दूसरी सेटिंग हो गई, और आप लोगों को तीसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग के ग्रुप हैं या फिर कोई मैसेज है तो सिंपल सा जैसे कि यहाँ पर ये ग्रुप है, ये ग्रुप पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आप लोग ऊपर जाल में प्रोफाइल पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप लोग देखोगे एक मीडिया विजिलिटी भी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पर देखिए यस डिफॉल्ट यस पे या फिर यस पे, इसको यहाँ पर आप लोग नो करके रखेंगे, नो करके रखेंगे, इसका फ़ायदा ये रहेगा कोई भी आप लोगों के मैसेज पे यहाँ पर इस ग्रुप में या पर्सनल कोई भी मैसेज आपको करता है, मैसेज वीडियो फोटो कुछ भी करता है यहाँ पर, तो आपके डायरेक्ट गैलरी में नहीं सेव होगा ये, डायरेक्ट यहीं पर अगर डाउनलोड करके आप लोग रखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसी पर डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के डिफ़ॉल्ट यस पे रखोगे तो सारा ये आप लोगों को कचरा जितना भी कुछ भी रहेगा फोटो वीडियो सब कुछ तो गैलरी में चला जाएगा, इससे आप लोगों का फ़ोन का स्टोरेज फुल होता रहता है। आप लोग अगर नो पे करोगे तो फ़ोन का स्टोरेज आप लोगों का फुल नहीं होने वाला है, तो आप लोगों को इसको नो पे रखेंगे तो सिंपल से ये आप लोगों की
बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग हो गई। तो यहाँ पर आप लोग पर्सनल, जैसे कोई भी है पर्सनल भी आप लोग रख सकते हो, किसी का भी आप लोग नंबर है तो पर्सनल पे भी रख सकते हो। पर्सनल भी आप लोगों को यहाँ पर डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा। मीडिया यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, मीडिया यूटिलिटी पे जाएंगे और यहाँ पर भी देखोगे यस और डबल यस, यहाँ पर आप लोगों को नो का ऑप्शन। तो आप लोगों को पर्सनल भी किसी का जो भी मैसेज आप लोग कर रहा है, ज़्यादा फोटो वीडियो भेज रहा है, तो उसको नो पे आप लोग कर सकते हो। आप लोग गैलरी में कुछ भी नहीं जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी है यहाँ पर चैट योर फोन गैलरी, फोन गैलरी में नहीं जाएगा ये डायरेक्ट अगर नो कर दोगे। तो इस तरह आप लोगों को कुछ भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को यहीं पर रहेगा, आप लोग यहीं से किसी को शेयर करना है कर सकते हो, लेकिन गैलरी में दिखने वाला नहीं होगा, गैलरी में नहीं जाएगा, स्टोरेज आपको बच जाएगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीसरी सेटिंग होगी। तो चौथी सेटिंग कौन सी है, सेटिंग से चौथी सेटिंग, जैसे कि आप लोग कोई भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो या फिर आप लोग किसी के साथ आप लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों को आप लोग सोते हो डाटा मेरा ऑन है या फिर पिक्चर आप लोग देख रहे हो व्हाट्सअप पर कोई मैसेज ना आए, आप लोगों को सामने वालों को दिखाना है कि मैं व्हाट्सअप नहीं चला रहा हूँ, मेरा इंटरनेट जो है मोबाइल का बंद है, तो आप लोग पिक्चर ऑनलाइन देख रहे हो या फिर आप लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हो या फिर और कुछ भी एक्सप्लोइट कर रहे हो आप लोग, तो सिंपल सा आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा इसी ऐप पे जो व्हाट्सअप का ऐप रहता है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इन्फो करके दिख जाएगा, ऐप इन्फो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो इन्फो पे आप लोग क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखोगे डाटा यूज का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसी जगह डाटा यूज पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी सिम का आप लोगों को डाटा यूज कर रहे हो उसको सिंपल सा बंद कर देना। तो सिंपल सा जैसे कि मैं डबल यहाँ पर देख रहा हूँ दो सिम नंबर पर डाटा मेरा बंद है, तो यहाँ पर मैं दो नंबर पे बंद कर दिया। अभी मैं व्हाट्सअप पे कुछ भी मैसेज करूँगा तो यहाँ पर सेंड नहीं होगा, ना ही तो मैसेज आने वाले हैं। इस तरह आप लोगों को कर सकते हो, जहाँ पर मैं अगर बंद कर दूंगा तो अभी यहाँ पर देखोगे मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर देख रहे हो डबल सिम का डाटा मेरे चालू है, यहाँ पर बंद कर दिया। अब सो दोस्तों, इन सभी सेटिंग के बारे में आप लोगों को मालूम था या नहीं मालूम था कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।